फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ये मेकअप लुक शेयर करूंगी जो समर के लिए परफेक्ट रहेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आइस क्यूब को एक कॉटन के क्लॉथ में रैप करके फेस पे रब करेंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा, प्लस हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, हमारे फेस से रिंकल्स भी रिमूव हो जाएंगे और ये एक टोनर की तरह भी काम करेगा। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। यहाँ पे मैं न्यूट्रिशिना का सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। सनस्क्रीन भी समर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन हमें सन रेज से प्रोटेक्शन देता है, हमारी स्किन को टैन होने से बचाता है। समर, विंटर, मॉनसून सारे सीजन में हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना ही चाहिए। अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। यहाँ पर मैं कलरबा का प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर का काम भी आप सबको पता है, ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है और ये भी हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो प्राइमर भी आपको फाउंडेशन लगाने से पहले कंपलसरी यूज़ करना ही चाहिए। अब मैं यूज़ करूँगी लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन और ये शेड है नेचुरल शेल। इसे मैं डॉट करके फेस पे अप्लाई करूँगी और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। ये वाला फाउंडेशन है वो भी ब्लेंड करने में बहुत ही ईजी है और ये सॉफ्ट और ग्लोइंग लुक देता है। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। सेम फाउंडेशन को मैं अंडर आई एरिया में और आई लिड पे भी अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी नायका स्किन जीनियस कॉम्पैक्ट और इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, ये मैट फिनिशिंग लुक देता है और ये ऑयली स्किन टाइप के लिए तो परफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसे अप्लाई करते ही हमारी स्किन ब्राइट लगती है और इसमें है विटामिन ई जो हमारी स्किन को नरिश भी करता है। अब मैं यूज़ करूँगी नायका आई एम बोल्ड काजल। यहाँ पे मैं आई मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा आई मेकअप करेंगे तो ऑड लगेगा, सो मैं सिर्फ काजल ही यूज़ करूँगी। अगर आप कोई अच्छी सी काजल खरीदना चाहते हो तो गाइज ये काजल वाटरप्रूफ भी है और स्मच प्रूफ भी है, तो समर के लिए ये काजल परफेक्ट है और ये हमारे आईज पे 15 to 16 आवर्स तक आराम से रहती है। आईब्रोज के लिए मैं इनिसफ्री की ऑटो आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी और इसमें मेरा शेड है अर्बन ब्राउन। ये आईब्रो पेंसिल आपके आईब्रो को कंट्रोल करने के लिए परफेक्ट है और ये पेंसिल का शेप ओवल है तो ये आईब्रो को डिफाइन करने में बहुत ही इजी रहेगा और इसका टेक्सचर भी काफ़ी सॉफ्ट है। अब मैं यहाँ पर आईलैश कलर यूज़ करूँगी जिससे मैं आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे मेबेलिन का फॉल्सी ड्रामा पुशअप मस्कारा यूज़ करूँगी, तो इससे हमारी आई सिंपल भी लगेगी प्लस एक अच्छा लुक भी क्रिएट करेगी। अब मैं फेसेस का ब्लश यूज़ करूँगी और इसमें मेरा शेड है 06 एप्रिकोट। इसे मैं फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी ताकि ब्लश हमारे चीक पे नेचुरल लगे और ज़्यादा ओवरडू ना लगे। लास्ट में मैं यूज़ करूँगी मिस क्लेयर की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम और इसमें मेरा शेड है 34। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की लिपस्टिक है और इसमें भी बहुत सारे शेड अवेलेबल है। तो अब मैंने कपड़े चेंज करके मेरा ड्रेस पहन लिया है और ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइज ये बहुत ही ईजी लुक है, इसे आप सिर्फ 5 मिनट में ही क्रिएट कर सकते हैं और ये समर के लिए परफेक्ट है, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और साथ में ये बहुत ही सिंपल लुक भी देता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।